भारत में प्राचीन काल से ही लोग अपना जीवन धर्म शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपना जीवन शास्त्रों में लिखी गई बातों के हिसाब से व्यतीत करता है, उसे जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग शास्त्रों में लिखी गई बातों को नहीं मानते हैं और उनको अनदेखा करते हैं, उनके जीवन में परेशानियों का आगमन हो जाता है। एक के बाद एक परेशानी उनके जीवन में लगी रहती है। आपको बता दें, इन्हीं शास्त्रों में से एक शास्त्र है वास्तु शास्त्र। इसमें व्यक्ति के रहन सहन से संबंधित दिशाओं और उनसे जुड़ी बातों के बारे में बताया गया है। सदियों से यहाँ के लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति गलत दिशा में गलत तरह से घर बनवाता है तो उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा की अधिकता की वजह से उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर के लिए उसका सबसे खास उसका मुख्य दरवाजा होता है। यही वो जगह होती है जहां से सारी सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। घर में अगर आपको सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो आपको दरवाजे से जुड़े हुए वास्तु के कुछ नियम का ख्याल रखना होता है। जो भी व्यक्ति मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई वस्तु की इन बातों को अनदेखा करता है, उसे जीवन में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़े, तो आप इन बातों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। अगर आप वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो उसके अनुसार घर के मुख्य दरवाजे को खोलते और बंद करते समय उसमें से कभी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर दरवाजे से आवाज आती हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर का मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ से ही खुलना चाहिए। मुख्य दरवाजे का बाहर की तरफ खुलना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा होने से घर में धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आय से अधिक खर्च होने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा जमीन से रगड़ते हुए खुलना अशुभ होता है। इससे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर पेड़, खंबे या किसी भी चीज की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा होना अशुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।